अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी यूट्यूब फ़ैमिली तो कैसे हैं आप सब उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे ठीक ठाक होंगे मज़े में होंगे अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ और आप सब के लिए दुआ करती हूँ कि जहाँ भी रहें आप सब खुश पाश रहें ठीक ठाक रहें और अल्लाह ताला की अमान में रहें आमीन सुम आमीन और वीडियो को जो है स्टार्ट करते हैं सबसे पहले तो आप सबको मेरे चैनल पर और मेरी नई वीडियो पर जो है वो तहे दिल से खुश आमदीद तो अभी वीडियो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले मैं आपसे कुछ एक बात कहना चाहती हूँ वो ये है कि मेरी एक बहुत बहुत, बहुत प्यारी सब्सक्राइबर हैं और वो जो है वो क़तर में रहती हैं उनकी रिसेंट अभी जो है उनकी वालदा का जो है वो इंतकाल हुआ है वो पाकिस्तान में थी मैं चाहती हूँ कि आप सब उनके लिए एक दफ़ा जो है वो सुरफ़ात ज़रूर पढ़ लें और उनके लिए जो है वो दुआ कर दें कि अल्लाह ताली उनके दरजात बुलंद करें और उनको जो है वह जन्तलफरदौस में आला मुकाम अता फ़रमाए और उनके घर वालों को जो है वो सब्र जमील अदा करें आमीन। सो so, चलिए अब वीडियो को जो है वो आगे बढ़ाते हैं और यहाँ पे जो है ना ये कुछ सब्ज़ियाँ मैं लेकर आई थी और आपको मैं बताऊँ इतनी मज़े की बात कि ये मैं सब्ज़ियाँ जो है ना वो ये सारी आपको नज़र आ रही होंगी ये इतनी सारी जो चीज़ें लेकर आई हूँ ये मैं तीन जगहों से लेकर आई हूँ यानी एक जगह से मैंने ये सब चीज़ें ख़रीदी नहीं बल्कि तीन जगह मुझे जाना पड़ा यहाँ पे अभी मंडी मैं नहीं जा रही हूँ कितने ही दिनों से यानी जब से कोरोना स्टार्ट हुआ है मैं मंडी नहीं गई उससे पहले गई थी लेकिन अब नहीं गई जहाँ यानी सब चीज़ें जो है वो एक साथ ही मिल जाती हैं तो मैं वहाँ पे अब नहीं जाती हूँ बिल्कुल भी और कोरोना जब से अभी ये इस सीज़न जब शुरू हुआ कोरोना का तो उसके बाद से नहीं गई बस अब यहाँ कभी सुपरमार्केट से ले लेती हूँ अब ऐसा होता है कि वीकली वीकली आ रही होती है मेरा दिल था कि मैं एक दफ़ा ज़्यादा ला के रख दूँ और फ्रीज़र कर दूँ कुछ चीज़ें तो लेकिन अभी इस तरह की चीज़ें मुझे नहीं मिली सो so, मैं ये सब चीज़ें जो हैं वो ये तीन जो है वो मार्केट से लेकर आई हूँ कुछ मैंने अलमीरा से ली हैं कुछ मैंने कॉम्प्लेक्स से ली है कतर कॉम्प्लेक्स और एक जो है सुपर मार्केट है इद्दा अल इद्दा उसका नाम है वहाँ से मैंने कुछ सब्ज़ियाँ ली हैं वहाँ पे काफ़ी अच्छी जो है वो फल वग़ैरह मिल जाते हैं सो so, ये तमाम चीज़ें जो है वो मैं लेकर आई थी और अभी ने जो है वो सबसे बड़ा काम है सिमेटना तो मैं इन सब चीज़ों को जो है वो जल्दी से सिमेट लेती हूँ तो सब्जियां वगैरह जो है वो मैं सिमेट चुकी हूँ और अब मैं तैयारी कर रही हूँ यहाँ पे पिज़्ज़ा बनाने की और काफ़ी दिन से सबका जो है वो दिल जा रहा था और मेरी छो बड़ी बेटी जो है वो बहुत दिनों से कह रही थी पिज़्ज़ा बनाए सो अब मैं जो है वो उसकी यहाँ पे तैयारी कर रही हूँ और आज मैं आप लोगों के साथ जो है वो एक बेसिक जो है वो पिज़्ज़ा डो की रेसिपी शेयर करूँगी पिज़्ज़ा की फुल रेसिपी मैं यहाँ पर नहीं शेयर करूँगी बेसिक जो है वो पिज़्ज़ा डो जो हर कोई जो है वो बिगनर भी जो है वो बना सकता है बहुत ईजी है ये सबसे पहले यहाँ पर ले लेंगे हम तीन कप मैदा ठीक है अगर आप ने जो है वो इसकी क्वांटिटी को डबल करना है ज़्यादा बनाना है तो आप यानी इसको जो है वो उसकी क्वांटिटी को डबल कर लेंगे ज़्यादा बनाने के लिए ठीक है ना तो यहाँ पे मैंने तीन कप मैदा लिया है उसमें मैं डाल दूँगी एक टेबल स्पून खमीर और यहाँ दो टेबल स्पून मैंने डाला है शुगर का और दो ही टेबल स्पून डालेंगे यहाँ पर मिल्क पाउडर का ठीक है और अब इसमें मैं ऐड करी हूँ थोड़ा सा नमक उसके बाद इसमें चला जाएगा जी इसको अच्छी तरह से पहले मिक्स कर लेंगे क्योंकि जो है ड्राई इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह पहले मिक्स करना बहुत ज़रूरी है उसके बाद ही हम इसमें ऐड करेंगे ये घी आप घी डालें या बटर इससे बहुत अच्छा जो है वो टेस्ट आता है तो घी मैंने यहाँ पर डाल दिया था वन थर्ड कप इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और पानी का ये हिसाब है कि मैंने यहाँ तो मैं थोड़ी ज़्यादा डो बना रही हूँ तो मैंने आटा थोड़ा ज़्यादा लिया है लेकिन मैं आपको सिर्फ क्वान्टिटी जो बता रही हूँ वो तीन कप की है तो इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे पानी का ये है कि एक कप पहले डालें उसको मिक्स करें फिर उसके बाद दोबारा डालें मैंने यहाँ पे मुझे जो है अंदाज़ा था इसलिए मैंने यहाँ पे तीन कप डाल लिया था और अब आप इस तरह से जो है वो मशीन की तरह को अपने हाथ को चलाएँगे तो ये डो जो है वो बहुत अच्छी सी जो है वो रेडी हो जाएगी आपने बिल्कुल मशीन जिस तरह से गूनती है ना आटा बिल्कुल उसी तरह से अपने हाथ से जो है वो गुन लेना है और बहुत सॉफ्ट हो ये रेडी होती है अब आप देख सकते हैं कि ये डो बहुत अच्छी सॉफ्ट सी जो है वो हो गई है और जो भी बाउल में आटा और मेरे हाथ में चिपका हुआ था वो बिल्कुल तर चुका है अब इसे जो है वो बाहर ही मैं प्रूफ होने के लिए रख दूँगी तकरीबन आधे घंटे में ये हो जाएगी आपके अगर गर्मी है या ठंडक के उसके हिसाब से एडजस्ट कर लें और मैं जो है फुल रेसिपी तो शेयर नहीं की सिर्फ मैं मेरा इस वक्त मकसद था कि मैं आपको जो है वो सिंपल सी जो है वो डो की रेसिपी जो है वो आप लोगों के साथ शेयर करूं और इतनी इजी है और इससे बहुत ही जो है वो अच्छी जो है वो पिज़्ज़ा बना है मैंने थोड़ा सा ये वाला पतला बनाया था लेकिन अगर आपको जो है वो थिकनेस अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं कुछ लोगों को जो है वो मोटा पिज़्ज़ा पसंद होता है लेकिन इतनी जो है वो मुझे इसकी बिल्कुल ठीक रहती है थिकनेस सो ये बहुत मजे की और सॉफ्ट हो बनी थी पिज़ा आप यकीन करें दूसरे दिन भी आप गर्म करके खाएं तो बिल्कुल फ्रेश रहता है सो हम लोग यहाँ पे जो है वो अपना मज़ेदार सा पिज़्ज़ा अभी जो है वो इंजॉय कर लेते हैं कौन सा कलर है ये वाला इसका नाम क्या है पिंक चलो ये इधर का कभी हो गया और ये, लीन। ये क्या है ये फ्लाइंग, फ्लाइंग? फ्लाइंग। <laughs> पतंग।, 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 पतंग क्या है लीन है। ओके okay, जी उसके बाद अब आ जाती है आ, शाम की चाय की और ये दिन भर में जो है ना आजकल बस यही होता है सुबह उठो खाना बनाओ शाम को जो है बच्चों को पढ़ाने के बाद थोड़ी बहुत चाय वाय पी लो फिर रात का खाना फिर बच्चों को सुलाओ फिर वो सुबह उठो फिर उनको स्कूल भेजो पढ़ाई ये सब बस इसी तरह की जो है वो रूटीन चल रही है आज कोई ऐसा कहीं नहीं हो रहा कि हम किसी के घर भी नहीं जा रहे हैं ना मैं किसी के घर जा रही हूँ ना कोई मेरे घर पर आ रहा है और आज तो बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है बिल्कुल बस सिंपल सी जो है वो घर की रूटीन चल रही है सो आप लोग भी बताएगा कि आप लोग की जो है वो इस वक्त क्या रूटीन चल रही है अच्छा जी मैं आपको जो है वो ये दिखाने वाली हूं आप लोग सोचेंगे ये मैं आपको जो है वो क्या दिखा रही हूं गिफ्ट है ये लेकिन है क्या ये है जी मुझे आया है, एक पी आर पैकेज और ये आया है आम, इनका नाम यहाँ पे है जी मेंशन सैमा सिद्दीका हील विद नेचर आप आ, इनकी जो भी कॉन्टैक्ट जो भी सब कुछ है ना वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है वो डाल दूँगी इनका फेसबुक लिंक इनका इंस्टाग्राम लिंक और जो है इनका नंबर भी जो भी मैं जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी आपने जैसे ही जो भी इसमें जो भी चीज़ होगी वो ऑर्डर करनी है तो वो आप इनसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं सो चलिए इसको जो है वो खोलते हैं चलिए जी बॉक्स जो है वो अन रैप हो चुका है अब इसे खोलते हैं और देखते हैं अंदर से जो है वो क्या निकला है और ये देखिए कि सबसे पहले जो है वो रखा हुआ है एक नोट तो इसे पढ़ लेते हैं उन्होंने लिखा है व बरकातहू वालेकुम अस्सलाम डियर सामिया हियर इज़ अट लिटल पी आर पैकेज फॉर यू होप यू विल लाइक इट प्लीज़ फॉलो अस ऑन फेसबुक एट हील विथ नेचर और इंस्टा का हैंडल भी है एट हील विथ नेचर वन एट टू सिक्स और अगर आपने कोई भी जो है स्किन हेयर केयर वगैरह के हिसाब से जो है उनको आ, आ, कॉन्टेक्ट करना है तो व्हाट्सएप नंबर भी है थैंक यू सो मच सैमा साहा और बाय द वे मेरी बेटी का नाम भी जो है वो शैमा है सो so सेम नेम हो गया थैंक यू सो मच आपने इतना प्यारा सा जो है ये पैकेज भेजा है और इसके जो है वो अंदर ये एक कार्ड भी है उनका और ये फॉर की प्रोडक्ट्स जो हैं वो आई हैं सो so अगर आपने जो है वो ऑर्डर करना है तो इस पर इनका नंबर मेंशन है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी जो है वो मैं डाल दूँगी तो चलिए देखते हैं कि अंदर जो है वो क्या है और ये हैं जी तीन प्रोडक्ट्स जो आई हैं मुझे सो सबसे पहले जो है वो ये है लिप बाम अच्छा मैं आपको बता दूं कि ये एलो जो लिप बाम है ये जो है वो मैं पहले भी ट्राई कर चुकी हूँ और ये बहुत अच्छा है क्योंकि एलोवेरा है और नेचुरल नेचुरल जो प्रोडक्ट्स होती हैं उनकी तो बात ही अलग होती है सो ये एलोवेरा की जो लिप बाम है ये मैंने ट्राई किया है ये बिल्कुल लिप जो है लिप्स आपके ड्राई नहीं होने देता सो तो इसका तो मैं अभी जो है वो रिव्यू दे रही हूँ और इसके पीछे इंस्ट्रक्शन वगैरह जो है सब कुछ लिखा ही होता है और ये भी फॉरेवर का है सो उसके साथ जो है ये आया है फॉरेवर का एलो स्क्रब अच्छा ये जो है वो मैंने पहले नहीं ट्राई किया और हाँ मेरी सिस्टर हैं जिन्होंने ये इसकी जो प्रोडक्ट्स हैं वो ट्राई की हैं जिसमें है जो वेट लॉस ड्रिंक है और साथ में उन्होंने एलोवेरा के जो शैम्पू वग़ैरह हैं वो ट्राई किए हैं सो अब मेरी बारी है कि मैं इन सब चीज़ों को जो है वो ट्राई करूँगी और इसके पीछे डायरेक्शन वगैरह जो है वो सब मैंशन है और मैं जब यूज़ करूँगी तो ना मैं आपको ज़रूर जो है वो बताऊँगी कि इसको किस तरह से जो है वो यूज़ करना है और ये है जी थर्ड जो है क्रीम है नहीं ये क्रीम नहीं है ये है जी एलो एल्फा ई फैक्टर और इसको अभी हम जो है वो खोलते हैं इसकी भी डायरेक्शन जो है वो सब कुछ जो है वो मेंशन है बॉक्स के साथ ही सो so, ऐसा है कि मैं इन सब चीज़ों को जो है वो अभी रिव्यू नहीं दे सकती क्योंकि मैंने ट्राई नहीं किया लेकिन हाँ मैं इनका जो है वो रिव्यू बहुत जल्द आप लोगों के साथ शेयर करूँगी सबसे पहले मैं इनको ट्राई करूँगी और ये जो है इस तरह से निकला है और इसकी जो डायरेक्शंस हैं वो भी लिखी हुई हैं और जब मैं यूज़ करूँगी ना ये सब चीज़ें तो मैं इस को जो है वो इसकी एक वीडियो बना लूँगी और आप लोगों के साथ जो है वो शेयर करूँगी अच्छा ठीक है अब अब ये है कि अगर आपने अभी जो है वो उनको ऑर्डर करना है ये सब प्रोडक्ट्स और उनका जो पेज है वो आप इंस्टाग्राम पे जाके जो है वो चेक कर सकते हैं वहाँ से आप जो है वो उनसे कॉन्टैक्ट करें उनसे ये ऑर्डर करवा लें और जो है फिर आप जो है आप लोग भी ट्राई करें मैं भी ट्राई करती हूँ और अगर आप लोग ट्राई करना चाहते हैं मेरे रिव्यू के बाद तब भी आप जो है वो मोस्ट वेलकम सो ये सब चीज़ें जो है वो आ, निकली हैं इसमें से चलिए जी अब आपसे जो है वो मैं ले लेती हूँ यहाँ पे इजाज़त और अपनी वीडियो को कर लेती हूँ एंड उम्मीद करती हूँ कि आप सबको अच्छी लगी होगी आज की वीडियो तो लाइक कर दें और जो मेरे चैनल पे न्यू है सो तो मेरे वीडियो को जो है वो सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा और बेल बटन को जो है वो प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक जो है वो पहुँच सके और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा इन फिर दूसरे व्लॉग में नए व्लॉग के साथ जो है वो दोबारा हाज़िर होंगी जब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त अल्लाह हाफ Gracias.